शाम एक किसान परिचय। कविता हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से ली गई है। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इस कविता में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। कविता। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कविता व्याख्या। प्रकृति दृश्य में पहाड़ पर बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सर पर बंधे साफे के समान पहाड़ के नीचे, बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल जल्दी अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठे भेड़ों जैसे, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आँख की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य बड़ा ही शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आँख बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा